नमस्कार दोस्तों, बेसिस की पाठशाला में हम लोग आरबी एनटीपीसी के जनरल अवेयरनेस में आज हम जानेंगे ज्योग्राफी के क्विज के बारे में। ये लेक्चर नंबर 2 है। यहाँ पर हम लोग केवल प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि हर ऑप्शन का क्या महत्व है और किस तरीके से वो आपके एग्जामिनेशन में फायदा करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने सेगमेंट को। आज का जो सेगमेंट है ज्योग्राफी का, वो डील करता है द्वीप समूहों से। तो द्वीप समूहों पर आधारित जितने भी क्वेश्चंस पहले आ चुके हैं, उन्हीं के बारे में यहाँ पर हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि द्वीप क्या होता है। तो द्वीप का मतलब होता है ऐसे भूखंड जो कि चारों तरफ से पानी से घिरे होते हैं। लेट अस सपोज कि ये आपका वाटर है, ये आपका वाटर है इस तरीके से, और इसके बीच में आपको ऐसे लैंड दिखता है, तो ये आपका द्वीप समूह कहलाता है। तो ये आपका द्वीप हो गया। और जब डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग इसी टाइप के स्ट्रक्चर्स मिलते हैं तो उन्हें द्वीप समूह कहा जाता है। यह आकार में बड़े भी होते हैं और छोटे भी हो सकते हैं। तो इनका जो साइज है वो कुछ वर्ग मीटर से लेकर हजारों वर्ग किलोमीटर तक भी हो सकता है। सामान्यतया जो द्वीप होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं ज्वालामुखी द्वीप और एक होते हैं कोरल द्वीप। तो ज्वालामुखी द्वीप के बारे में ये समझिए कि अगर इस तरीके से आपका जो पानी है वो फैला हुआ है, इस तरीके से आपका जो पानी है वो फैला हुआ है, ये लगातार पानी है, इसके अंदर ये आपका माउंटेन है, इसमें लावा जो है वो इरप्ट हो रहा है, लावा जो है वो निकल रहा है। इस लावा के निकलने की वजह से इसके ऊपर एक लैंड फॉर्म जो है वो क्रिएट हो जाता है, तो ये आपका कहलाता है जो ज्वालामुखी द्वीप होती है। इस तरीके से आप हवाई की बात कर सकते हैं। हवाई द्वीप जो कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के अंतर्गत आता है, वह एक ज्वालामुखी द्वीप है। दूसरा होता है जिसे हम कहते हैं कोरल। तो कोरल बेसिकली ये जानिए कि ये मूंगा जिसे कहते हैं, तो वो मूंगा जो है उसके थ्रू ये द्वीप समूह जो है वो बने होते हैं, जैसे हमारा लक्षद्वीप। तो दोनों के बारे में जानते हैं। ज्वालामुखी द्वीप आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये आपका ज्वालामुखी द्वीप है, और जो दूसरा आप देखेंगे वो आपका कोरल द्वीप है। यह आपके मूंगे से बनी होती है और इन्हें कहा जाता है पॉलिप्स, इन्हें हम पॉलिप्स कहते हैं जिनसे ये बने होते हैं। चलिए अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और सॉल्व करते हैं हम अपने क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, जावा और सुमात्रा जो द्वीप हैं वह किस देश में स्थित हैं? तो जावा और सुमात्रा जो है वह इंडोनेशिया आर्किपेलागो है, द्वीप समूह है, उसका पार्ट है। अगर हम यहां पर देखें तो आपको दिख रहा होगा ये पूरा जो आपका है, जो आपका राइट, जो आपका लाइट ग्रीन में है, यह आपका इंडोनेशिया जो आपका आर्किपेलागो है उसके अंदर आता है। इसमें आप यहां देखेंगे तो ये आपका सुमात्रा है और ये आपका जावा है। जावा और सुमात्रा इसके दो प्रमुख द्वीप हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन जापान का सबसे बड़ा द्वीप है? तो होनशु जो है वो जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। जापान जो है वो चार द्वीपों से मिलकर बना हुआ है, या ये कहें कि उसके चार जो है वो मुख्य द्वीप हैं। तो यहां पर अगर आप देखेंगे सबसे नीचे आता है क्यूशो, फिर शिकोकू, फिर होनशु, और लास्ट जो है वो आपका होकाइडो। ये आपके चार द्वीप हैं। इनका क्रम याद रखिएगा, नॉर्थ से साउथ की तरफ। कभी कभी पूछता है तो नॉर्थ से साउथ की तरफ आप चलेंगे तो सबसे पहले जो आपका द्वीप आता है वो आता है होकाइडो, होकाइडो दूसरे नंबर पे आता है होनशु, तीसरे जो नंबर पे आता है वो आता है आपका शिकोकू, शिकोकू, और जो लास्ट में आता है वो आता है क्यूशू। ये आपके चार द्वीप हैं जो नॉर्थ से साउथ की तरफ हैं, इन्हें ध्यान रखिएगा। तो होनशु जो है वो जापान का सबसे बड़ा द्वीप है, या दुनिया का सातवां सबसे बड़ा द्वीप है। इसके अलावा इंडोनेशिया में जो जावा है उसके बाद विश्व का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वीप है। साथ ही जो जापान की राजधानी टोक्यो है वो भी होनशु के मध्य पूर्व में स्थित है लगभग यहां पर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और बांग्लादेश के बीच विवादित द्वीप है? तो न्यू मोर आइलैंड जो है वो भारत और बांग्लादेश के बीच विवादित द्वीप है, और यह जो है बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इसके बारे में जान लेते हैं कि ये आपका न्यू मोर आइलैंड है। यहाँ पर ये आपको जो ये दिख रहा है ये आपका न्यू मोर आइलैंड है, लेकिन 2010 में ये कहा गया है कि न्यू मोर आइलैंड जो है वो पानी का स्तर बढ़ने के कारण जो है वो डूब चुका है।
तो भारत और बांग्लादेश के बीच बंगाल की खाड़ी में न्यू मोर द्वीप जो है वो स्थित है। इसे भारत में न्यू मोर या पूर्वाशा कहते हैं, जबकि बांग्लादेश में जो इसका नाम है वो है दक्षिण तलपट्टी, और यह जो है इन दोनों के बीच में बहुत ही विवादित है। ऑप्शन बी की बात कर लेते हैं, यह मजौली द्वीप जो है वो ब्रह्मपुत्रा रिवर में एक रिवराइन आइलैंड है, अर्थात नदी के द्वारा बनाया गया द्वीप है, और यह विश्व में नदी के द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा द्वीप है। यह ब्रह्मपुत्रा के पास है असम में। डिब्रू सैखोवा यह नेशनल पार्क है जो कि फेमस है, यह नेशनल पार्क है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह है? तो इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है, और चलिए जानते हैं कि इंडोनेशिया का जो पांच प्रमुख द्वीप हैं वो कौन कौन से हैं। तो यहां पर आप भी देखिए, इस जगह पे आप देखेंगे तो सुमात्रा, जावा, उसके अलावा बोर्नियो जिसे हम इंडोनेशिया में काली मानतन के नाम जानते हैं, उसके अलावा सुलावेसी, और लास्ट में जो है वो है आपका न्यू गोवेना। ये जो ये सब मिलकर आपके इंडोनेशिया का आर्किपिलागो या द्वीप समूह बनाते हैं। यह पूर्व एशिया और ओशियानिया में स्थित है। इसकी राजधानी जो है वह जकार्ता है। इसके जो पांच प्रमुख द्वीप समूह हैं उसके बारे में यहाँ याद रखिएगा, सुमात्रा, जावा, बोर्नियो जिसे हम काली मानतन कहते हैं, उसके अलावा सुलावेसी और न्यू गुवेना। ये यहां पर इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सेनकाकू द्वीप समूह के स्वामित्व का दावा करता है? तो जापान और चीन जो है वह सेनकाकू द्वीप समूह में जो उसका स्वामित्व है उसका दावा करते हैं। चलिए मैप के फॉर्म में इसको देखते हैं कहां पर स्थित है। तो यहां पर आप देख रहे होंगे ये ताइवान है, ये चाइना है, और ये जो आपका है वो आपका है सेनकाकू जो कि द्वीप है, और जापान भी इसके ऊपर अपना अधिकार बताता है। तो सेनकाकू द्वीप जो है वो जापान और पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना साथ ही ताइवान के बीच पूर्वी चीन सागर में स्थित है, ईस्ट चाइना सी में स्थित है। जापान और चीन जो है वो सेनकाकू द्वीप समूह के स्वामित्व का दावा करते हैं। इनमें से कौन सा हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है? तो हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो है मेडागास्कर। ये यही का नहीं विश्व का भी चौथा सबसे बड़ा द्वीप है। तो मैप के थ्रू जानते हैं कि आखिर मेडागास्कर है कहाँ। तो अगर आप अफ्रीका को देखते होंगे तो अफ्रीका कुछ इस तरीके से है, यहां पर आपको एक बड़ा सा द्वीप दिखाई देता है, ये आपका मेडागास्कर है। ये जान लेते हैं, तो मेडागास्कर हिंद महासागर के पूर्वी तट पर है, यहाँ आप देख सकते हैं, और यह विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है। चलिए मैप के साथ जान लेते हैं कि कौन कौन से बहुत बड़े बड़े द्वीप हैं। तो सबसे पहला जो है वो है आपका ग्रीनलैंड, यहाँ पर आप देख रहे होंगे ग्रीनलैंड जो है वो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, और यह डेनमार्क की टेरिटरी है। उसके अलावा न्यू गुवेना यहाँ पर है, फिर बोर्नियो, ये आपका बोर्नियो है, देन चौथे नंबर पर आता है मेडागास्कर, और पांचवें में आता है आपका बफिन आइलैंड। उसके अलावा भी लिस्ट यहाँ पर है, आप नोट कर लीजिए इसको, जिससे आपके एग्जामिनेशन में अगर कभी ये आता है कि लिस्ट के अकॉर्डिंग कौन सबसे बड़ा कौन सबसे छोटा है, तो आप वहां पर इसको सही तरीके से अरेंज कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेशल्स द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो सेशल्स द्वीप जो है वो हिंद महासागर में स्थित है। फिर चलते हैं हम लोग अपने अफ्रीका की तरफ, ये आपका अफ्रीका है, यहां पर जो है वो सेशल्स आपका स्थित है। चलिए मैप के आधार पर देख लेते हैं। तो ये आप देख रहे होंगे ये है पूरा आपका अफ्रीका, और यहां पर आपको सेशल्स जो है वो दिखाई दे रहा है, और यह इंडियन ओशियन का पार्ट है। तो सेशल्स जो है वह 115 द्वीपों का द्वीप समूह है। यह अफ्रीका की मुख्य भूमि, ये आपकी मुख्य भूमि, इसके पूर्व दिशा में ये में आपको मेडागास्कर दिख रहा है, इसके उत्तर में, और हिंद महासागर में यह स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जो उत्तरी प्रशांत महासागर में ज्वालामुखी द्वीपों का एक श्रृंखला है? तो हवाई जो है वह ज्वालामुखी द्वीपों की एक श्रृंखला है जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है, और यह यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की टेरिटरी है, अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका का ही ये एक भाग है। तो यह संयुक्त जो अमेरिका है उसके प्रशांत महासागर में स्थित है,
यह अमेरिका का अकेला प्रांत है जो पूरी तरीके से द्वीप से बना हुआ है। तो मैप के फॉर्म में जान लेते हैं यहां पर इसको कि कहां पर होगा। अगर ये आपका नॉर्थ अमेरिका है, ये आपका नॉर्थ अमेरिका है, ये आपका अफ्रीका है, तो हवाई जो है यहां पर स्थित है। तो हवाई जो है वो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का है। वैंकूवर द्वीप जो है वो कनाडा का पार्ट है। गैलापागोस द्वीप समूह इक्वाडोर का है। और वनुआ लेवु द्वीप जो है वो फिजी के अंदर आता है। ये आप बाकी ऑप्शंस के बारे में देख सकते हैं, इसको भी आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आते हैं। निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह को सैंडविच द्वीप कहते हैं? तो हवाई द्वीप को सैंडविच द्वीप कहा जाता है। दो के बारे में यहां पर मैं आपको बताता हूं, एक है आपका फॉकलैंड द्वीप समूह और एक आपका आता है तुवालू। तो फॉकलैंड जो है वो आपका आता है साउथ अमेरिका में। तो साउथ अमेरिका अगर देखा जाए तो साउथ अमेरिका कुछ इस तरीके से है, तो इस जगह पर आपको दिखाई देगा फॉकलैंड द्वीप समूह। तो आते हैं मैप में, तो यहां पर आप देख सकते हैं ये आपका फॉकलैंड है, यहां पर आपका ये फॉकलैंड दिख रहा है। और यह ब्रिटेन की ओवरसीज टेरिटरी अर्थात यह ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी है। यह अर्जेंटीना के साउथ साइड जो आप देखेंगे ये साउथ ईस्ट साइड पर स्थित है। आते हैं तुवालू, यह ओशानिया में है और यहां पर आप देख रहे होंगे आपको ये तुवालू जो है वो द्वीप समूह यहां पर दिखाई दे रहा है। आते हैं लास्ट क्वेश्चन में। जापान की राजधानी निम्नलिखित में से, जापान की राजधानी जो है वो निम्नलिखित द्वीपों में से कहां पर स्थित है? तो यह चार के बारे में अभी हम लोग डिस्कस किए थे कि ये जापान के चार प्रमुख जो है वो द्वीप हैं। इनमें से होनशु पर आपका जो जापान की राजधानी टोक्यो है वह स्थित है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये आपका टोक्यो है जो कि होनशु है। ये आप देख रहे हैं, मैच करेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा किस तरीके से यहाँ पर टोक्यो जो है वह उसमें स्थित है। तो जापान के राजधानी टोक्यो जो है वह राजधानी है और सबसे बड़ा नगर है, साथ ही यह होनशु द्वीप पर जो है वो बसा हुआ है। तो यहां पर हम लोगों ने बात करी आज ज्योग्राफी के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। इसी तरीके से और श्रृंखलाएं भी आती रहेंगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को शेयर कर सकते हैं जिससे और भी अच्छी जानकारियां मैं आपको दे सकूं। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और भारत माता की जय गाते रहिए।